हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा यूनिवर्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यूनिवर्स कितना विशाल का है, कितना बड़ा, और इसका कोई अंत भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी यूनिवर्स के अंदर बहुत से राज दबे पड़े हैं। उन्हीं के साथ दोस्तों इस यूनिवर्स के अंदर बहुत से मिथ्स भी फैले हुए हैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि मिथ्स का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मिथ का मतलब होता है झूठ, मिथ्या, असत्य, जिसका वास्तविकता से कोई लेन देन ना हो। मिथ नंबर वन, यदि हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पुराना है तो हमें 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आखिर कोई भी चीज़ प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लेकिन वहां समझने के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक यह है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने की यात्रा के दौरान कोई भी दूरी ना बढ़ रही है ना घट रही है। दूसरा यह है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का स्थान विस्तार नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय पैमानों पर ब्रह्मांड में ये दोनों कारक काम करते हैं। तो चलिए अब एक ऐसी आकाशगंगा की कल्पना कीजिए जो हमसे 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। अब सोचिए कि उससे एक लाइट एमिट हो रही है, मतलब एक रोशनी प्रकाशित हो रही है। अब अगर ये ब्रह्मांड अपना विस्तार नहीं कर रहा होगा तो उस लाइट को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 10 अरब प्रकाश वर्ष लगेंगे। और वहीं दूसरी संभावना में अगर ब्रह्मांड अपना विस्तार लाइट की गति यानी कि रोशनी की गति से कर रहा होगा तो उस लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 20 अरब प्रकाश वर्ष का समय लग सकता है, और शायद इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। और अगर हमारा ब्रह्मांड मोस्टली रेडिएशन से बना हुआ होता तो हम 27.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर देख सकते हैं। और अगर हमारा ब्रह्मांड मोस्टली मैटर से बना हुआ होता तो हम 41.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी तक जा सकते थे। और वहीं अगर हमारा ब्रह्मांड डार्क मैटर, मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना होता तो ये डिस्टेंस 46 बिलियन लाइट ईयर्स अवे हो सकती थी। मिथ नंबर टू, नोबडी नोज हाउ ग्रेविटी रियली फंडामेंटली वर्क्स। मतलब किसी को भी नहीं पता, इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि आखिर ग्रेविटी फंडामेंटली वर्क कैसे करती है। हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाली ताकतें गुरुत्वाकर्षण बल, आइंस्टाइन की सामान्य सापेक्षता द्वारा शासित और क्वांटम फील्ड्स प्रिंसिपल द्वारा वर्णित विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कमजोर और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और का निरीक्षण और माप करना आसान है। उनके अंतर्हित सिद्धांत अलग हैं। सामान्य सापेक्षता अंतरिक्ष और समय की वक्रता के लिए पदार्थ और ऊर्जा के बीच संबंधों का वर्णन करती है, और क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत उस स्पेस टाइम में होने वाले कणों के बीच बातचीत का वर्णन करता है। आप चिंता कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण स्वाभाविक रूप से प्रकृति के क्वांटम बल होना चाहिए, और उस समय बातचीत में मध्यस्थ करने वाले गुरुत्वाकर्षण को होना चाहिए। आप यह भी चिंता कर सकते हैं कि हम गणना नहीं कर सकते कि गुरुत्वाकर्षण बल या क्षेत्र क्वांटम स्थितियों के में कैसे काम करना चाहिए, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक डबल स्लिट में गुजरना और खुद में हस्तक्षेप करना। लेकिन हमारे विज्ञान का तो उद्देश्य ये है, और सामान्य सापेक्षता उन सभी के लिए ऐसा करती है। जिनको सामान्य सापेक्षता का मतलब नहीं पता तो इसका मतलब होता है जनरल रिलेटिविटी। न केवल पर्याप्त रूप से बल्कि पूरी रूप से ये काम करती है। हम जो देखने में सक्षम है उसकी सीमा तक प्रत्येक सिद्धांत की वैधता की अपनी की सीमा होती है। सामान्य सापेक्षता किसी बिंदु पर टूट जाएगी, जैसे ब्लैक होल के अंदर विलक्षण था, लेकिन क्वांटम क्षेत्र के सिद्धांत को भी वे सीमाएँ हैं। प्लैंक्स पैमाने पर ये लगभग 10^-33 मीटर या उससे भी अधिक दूरी पर है। गुरुत्वाकर्षण मौजूद होना, लेकिन वे फोटोन के समान है। वास्तविकता में लोगों को गुरुत्वाकर्षण तरंगों के द्वारा रूप में पहचाना जा सकता है, जैसे वास्तविकता फोटोन का प्रकाश तरंगों के रूप में पहचाना जा सकता है, जबकि आभासी लोगों का पता नहीं लगाया जा सकता और वे केवल एक गणना उपकरण है। आइंस्टाइन का विवरण पूरी तरीके से मान्य है, यद्यपि हम आशा करेंगे कि किसी दिन गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम विवरण से अलग हो गया पदार्थ और ऊर्जा से प्रभावित घुमावदार स्पेस टाइम की हमारी तस्वीर, जहां घुमावदार स्पेस टाइम वस्तुओं के पथ को निर्धारित करता है। मौलिक रूप से सबसे
महत्वपूर्ण अर्थों में मान्य है। यह पूरी तरीके से हर अवलोकन का वर्णन करता है जो हम सोच सकते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, वो हम कर भी सकते हैं। मिथ नंबर 3, द बिग बैंग वाज द बर्थ ऑफ स्पेस एंड टाइम। हमारा ब्रह्मांड कई अरबों सालों से विस्तार और ठंडा हो रहा है। अतीत में सब कुछ घना और गर्म था, और यदि हम मनमाने ढंग से एक्सप्लोरेशन करते हैं तो हम अनंत घनत्व के बिंदु पर पहुंचेंगे। सैद्धांतिक रूप से यह 1920 के दशक में शुरुआत में अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और जार्ज लेमेत्रे जैसे ब्रह्मांड विज्ञानियों द्वारा महसूस किया गया था। बाद वाले ने इस राज्य को प्रधान परमाणु कहा, जिससे सब कुछ उभरा। जब इस तस्वीर से बचे हुए विकिरण की चमक भविष्यवाणी की गई, ब्रह्मांड के विस्तार द्वारा स्पेक्ट्रम में माइक्रोवेव हिस्से स्थानांतरित कर दिया गया। 1960 के दशक में पता चला कि बिग बैंग की पुष्टि हुई थी। मनमाने ढंग से बहुत दूर तक एक्सप्लोरेशन करें और आप एक विलक्षणता पर पहुंचेंगे, जहां स्थान और समय की हम जानते हैं कि वे उभरे हैं। बस वह एक तस्वीर ठीक नहीं है। यदि ब्रह्मांड का तापमान एक निश्चित बिंदु से ऊपर उठता है तो जल्द ही ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पुष्टि भूमि में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकते हैं। तथ्य यह भी है कि 1,00,000 में से ये कुछ हिस्सा होगा और 1990 के दशक में शुरुआत में COB द्वारा नापा गया था। हमें बताता है कि गर्म बिग बैंग से पहले एक राज्य रहा होगा, कि हमारे गर्म घने पदार्थ और विकिरण के बड़े ब्रह्मांड का उदय हुआ। एक भविष्यवाणी की गई थी 1980 के दशक में, वह राज्य क्या होगा? ब्रह्मांडीय मुद्रा स्फीत जिसने बिग बैंग को जन्म दिया। CMB के उतार चढ़ाव भविष्यवाणी की गई और CMBWMAP 2000 और प्लैंक्स 2010 द्वारा हमने जो देखा उसका विस्तार से मिलान करने पर विवरण दिया गया। गर्म बिग बैंग से पहले मुद्रास्फीति आई थी। मुद्रास्फीति से पहले क्या आया? और ईमानदारी से मुद्रास्फीति के अंतिम 10^-32 सेकेंड से पहले क्या आया? यह भी एक रहस्य है। मिथ नंबर 4, स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी कुड ऑल जस्ट बी एन इल्यूजन। मतलब जो स्पेस एंड टाइम जो भी है, समय स्थान, ये सब कुछ इल्यूजन हो सकता है। जो हम देखते हैं वो शायद इल्यूजन मतलब भ्रम भी हो सकता है। शायद वे मौलिक भी ना हो, शायद वे कुछ अर्थों में वास्तव हो सकते हैं, वास्तविकता नहीं है। हाल के विचार में कुछ विचार बहुत चर्चा हुई, जिनमें से कुछ कणों कुछ अधिक मौलिक से उभर सकते हैं। आवणिक अतः क्रियाओं से ध्वनि तरंगे निकलती हैं। परमाणु क्वार्क गैलोन्स और इलेक्ट्रॉन्स और मजबूत और विद्युत चुंबकीय बातचीत से निकलती है। सामान्य सापेक्षता में गुरुत्वाकर्षण से ग्रह प्रणाली निकलती है, लेकिन एंट्रोपिक गुरुत्वाकर्षण के विचार में साथ ही कुछ अन्य परिदृश्य जैसे क्यूबिट्स गुरुत्वाकर्षण या यहाँ तक कि स्थान और समय भी इसी तरीके से अन्य संस्थाओं से उभर सकते हैं। लेकिन इसके मूल में यह तथ्य है कि गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने वाले समीकरण और थर्मोडायनामिक्स को नियंत्रित करने वाले समीकरण में घनिष्ठ संबंध है। आमतौर पर हम इस दृष्टिकोण को लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण और कण मौलिक संस्थाएं, और यह है कि उसमें परवेगणिक उभरती हैं, वही बड़ी संख्या में अधिक मौलिक चीज़ें के समय गुणों का वर्णन करना है। वास्तव में उसमें वेग परवेगणिक के नियम एक अलग अधिक मौलिक क्षेत्र से निकलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण एक भ्रम नहीं है, भले ही वह मौलिक न हो। यह किसी भी आकस्मिक संपत्ति के रूप में निश्चित रूप से मौजूद है, और अंतरिक्ष और समय के लिए वे मौलिक भी नहीं हो सकते। लेकिन इस बात के लिए कोई अच्छा विचार नहीं है कि वे इससे क्या उभर सकता है, जो किसी भी परीक्षण प्रयोग्य चीज से जुड़ते हैं। किसी भी तरह अंतरिक्ष समय और गुरुत्वाकर्षण निश्चित रूप से मौजूद हैं, और उन्हें भ्रम कहना केवल असत्य है। मिथ नंबर 5, इट ऑल जस्ट ए थ्योरी एनीवे। ये तो सिर्फ एक सिद्धांत ही तो है। वैसे भी द बिग बैंग एक थ्योरी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी एक सिद्धांत है। यहाँ तक कि
इन सब विचारों को एक साथ रखने के लिए एक क्षेत्र के अंदर सैद्धांतिक भौतिकी कहा जाता है। ऐसा ही नहीं, तथ्य, सच्चाई और यहाँ तक कि कानून वे केवल सिद्धांत हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से एक बात को चूक जाता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। तथ्य विज्ञान के सबसे बुनियादी तत्व हैं। आप अवलोकन करते हैं और यह सच्चाई है। आप माप करते हैं तो यह भी एक सच्चाई है। एक एकल प्रयोगात्मक डेटा बिंदु भी एक तथ्य है। और अधिक से अधिक एकत्रित करते हैं और अधिक से अधिक एकत्रित करने के लिए हम सेटअप भी तैयार करते हैं। जब आप देखते हैं कि चीज़ें सहसंबंध हैं, कि विभिन्न मापन अवलोकन के बीच संबंध को एक विशेष रूप से समीकरण या पालन करते हैं और यह एक कानून है। यह केवल तभी जब आप व्यापक ढांचे को एक साथ रखते हैं जो न केवल तथ्यों की व्याख्या करे और न केवल कानूनों को शामिल करे, बल्कि उन चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी भी करे जिन्हें आप बाहर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास वैज्ञानिक सिद्धांत है। यदि आप बाहर जाते हैं तो अपने सिद्धांतों को मानने और स्थापित करते हैं और उन्हें पूर्ण सीमा तक धकेलते हैं। आपके पास बिग बैंग सामान्य सापेक्षता जितना अच्छा सिद्धांत है और यह सच है, यहाँ तक कि इन उदाहरणों के रूप में मजबूत और स्वीकृत सिद्धांत कभी भी अंतिम उत्तर नहीं होगा। सीखने के लिए हमेशा कुछ और होता है। अधिक सीमाओं को पार करना होता है, अधिक प्रश्नों को उजागर करना होता है और उन्हें जांचना होता है। लेकिन आज के सर्वोत्तम स्वीकृत सिद्धांत सत्य के उतने करीब है जितने विज्ञान कभी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम हमेशा करीब आने का प्रयास करते हैं, वास्तविकता को समझने के लिए बेहतर है इसमें शामिल सभी बारीकियों के साथ जितना हम वास्तव में कर सकते हैं एक आरामदायक मिथक में बने रहने के लिए तुलना में।